नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपने बोला था कि स्टैटिक जीके की वीडियो बनाएं, तो दोस्तों आज से हम आपके लिए सारी जीके की जानकारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपकी वीडियो आएंगी स्टैटिक जीके की, आज से स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको पता तो होंगे, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों आपका रिवीजन होता रहेगा इसके साथ साथ। और ये जो हम आपको मतलब सीरीज बनाएंगे जीके की, जो स्टैटिक जीके है, ये आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब हर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीरीज को पूरा देखना है, एक एक चीज़ देखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि नॉलेज कहीं से मिली लेनी चाहिए, क्योंकि भाई नॉलेज जो है जितनी मिले उतनी ही कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेके चलते हैं आपको सीधे सीरीज पर। और आज हम आपको बताएंगे भारत में प्रथम महिला और पुरुष के बारे में जानकारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेके चलते हैं आपको सीधे सीरीज पर। तो देखिए दोस्तों, नंबर एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं चार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये नाम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रथम गवर्नर जनरल के, ये आपको बहुत ही मतलब उलझन में डाल देते हैं कि मतलब गवर्नर जनरल के आगे आगे पीछे एक शब्द लग जाता है, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत और सही हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल केवल इतना आए तो ये होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर उसके आगे लग जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय, ये कौन थे। तो दोस्तों ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपको देखिए, इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको मंडे को मिलेगी, मंडे को जो वीडियो आएगी वो मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऑनलाइन क्विज का पोर्टल ओपन होने वाला है जो मंडे को आपको उसमें मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, वहां पर आप उनको क्विज दे सकते हो और उसका आंसर भी बता सकते, अपनी बता के अपनी जो मेमोरी है उसको मतलब हाई ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फ्री में होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको लॉग इन करना है और वहाँ आप क्विज दे सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें उन्होंने बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जो गवर्नर जनरल थे लेकिन भारतीय थे, वो कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे दोस्तों आपके श्री राजगोपालाचारी। ये ध्यान से लिख लेना, श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन ऐसे हमने मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपके लिए स्लाइड बनाई है। ठीक है, जैसे प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है, ऐसे दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे लिखना, क्योंकि इसमें क्या है आपके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि इसमें केवल जनरल, ठीक है, जनरल गवर्नर जनरल केवल इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है एक स्लाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब दोस्तों इसमें देखिए, एक ही क्वेश्चन हमने क्लियर किया है। जैसे इसमें उन्होंने बोला है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये क्वेश्चन देखिए, अगर एग्जाम में नहीं आता कोई कहीं भी पूछ लेता है तुमको ये पता है क्या कि भारत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था, तो उसका नाम था रॉल्फ फिच। ठीक है, उसका नाम था रॉल्फ फिच। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 ईस्वी तक, सॉरी सन 1950 से 1962 तक रहे। ठीक है, अब उनके बाद बात आती है उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात आती है तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज हम पहले ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े में ही आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। अब देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1966। ठीक है, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है,
तो ये थे मोरारजी देसाई, ये भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये हो गई प्रधानमंत्री की बात। अब बात आती है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ठीक है, और जो लोकसभा की अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है वो दो, मतलब दो से बनता है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें महिला और पुरुष ये जरूर दिखा होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष उनका नाम था सैनम आयंगार। ठीक है, ये हो गए आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और यहाँ आ जाती है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और जो राज्यसभा की महिला उपाध्यक्ष थी वो थी वायलेट अलवा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन, और हमको आशा है आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ये आधी वीडियो है, आधे जो सारे नेक्स्ट में आने वाले पार्ट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सारी कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये जीके की वीडियो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मिलेंगी, सैटरडे संडे को आपको इनकी वीडियो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप ये देखते रहना, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।